हमेशा मतलब ये नया कुछ हो रहा है कि फिरंग कोई इंडियन पूजा मतलब जो हमारे में रिचुअल्स होते हैं वैसे पूजा के लिए हां एक्चुअली जी किस चीज के लिए उन्होंने तो एक जो इंजन था रेल का इंजन वो हम ब्लास्ट कर चुके हैं ऑब्वियसली बट महाराज को नहीं पता है बट रॉस को कहीं ना कहीं शक है फिर वो दो और इंजन मंगवा रहा है तो उसके शुरुआत के लिए मतलब उसके इनॉग्रेशन जो होने वाली है उसके पहले से ही वो एडवांस में ही वो बोलता है कि महाराज और महारानी के हाथ से अगर पूजा हो जाएगी तो मुझे पता चलेगा कि मेरा प्लान सक्सेसफुल है तो इन शॉर्ट कि वो ही जान मुझ के मुझे ही सुनाने के लिए कि देखो तुम जो भी कर लो तुम्हें मेरे ही कमीशनी में आके पूजा करना पड़ा मतलब ये तो जानबूझ कर कि वो प्रिक करना होगा हाँ कि आपको पता है आपने ही वो ब्लास्ट किया था लेकिन वो वापस आप ही को बुला रहे हैं जी ओके ये गुस्सा किस चीज़ का चाबुक क्यों मार रही हैं आप क्योंकि वो उन्होंने हमारे भोजन में मांस मिला दिया और सबको खिला ऑलमोस्ट सब खा लेने वाले थे और सबको बहुत बुरा लगता है और महाराज को शक होता है कि बिठूर वालों ने जानबूझ के ऐसा किया और बिठूर मेरा बर्थ प्लेस है मतलब जहाँ से मैं एक्चुअली आई हूँ तो वो मुझे बहुत बुरा लग जाता है कि हमारा इंसल्ट होता है और सबको बहुत बुरा लग जाता है कि ऐसे क्यों हुआ और इतना इंपॉर्टेंट सेरेमनी था एंड फिर मुझे पता चलता है उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया तो फिर इसे मैं मारते मारते लेकर आती हूँ कि रसोइये को शायद उन्होंने पीटा था जी बात को दबाने के लिए जिस वजह से आप नाराज हो गए बात को दबाने के लिए इतना मारा उनको खून भी आने लगा इसलिए मैं भी वापस मारती हूँ जो चाबुक से वो मार रहे थे उसी चाबुक को लेके मैं भी मारती हूँ झांसी की रानी की जय हमेशा मतलब ये नया कुछ हो रहा है कि फिरंग कोई इंडियन पूजा मतलब जो हमारे में रिचुअल्स होते हैं वैसे पूजा के लिए हाँ एक्चुअली जी है किस चीज़ के लिए उन्होंने तो एक जो इंजन था रेल का इंजन वो हम ब्लास्ट कर चुके हैं ऑब्वियसली बट महाराज को नहीं पता है बट रॉस को कहीं ना कहीं शक है फिर वो दो और इंजन मंगवा रहा है तो उसके शुरुआत के लिए मतलब उसके इनॉग्रेशन जो होने वाली है उसके पहले से ही वो एडवांस में ही वो बोलता है कि महाराज और महारानी के हाथ से अगर पूजा हो जाएगी तो मुझे पता चलेगा कि मेरा प्लान सक्सेसफुल है तो इन शॉर्ट कि वो ही जान मुझ के मुझे ही सुनाने के लिए कि देखो तुम जो भी कर लो तुम्हें मेरे ही कमीशनी में आके पूजा करना पड़ा मतलब ये तो जानबूझ कर कि वो प्रिक करना होगा हाँ कि आपको पता है आपने ही वो ब्लास्ट किया था लेकिन वो वापस आप ही को बुला रहे हैं जी ओके ये गुस्सा किस चीज़ का चाबुक क्यों मार रही हैं आप क्योंकि वो उन्होंने हमारे भोजन में मांस मिला दिया और सबको खिला ऑलमोस्ट सब खा लेने वाले थे और सबको बहुत बुरा लगता है और महाराज को शक होता है कि बिठूर वालों ने जानबूझ के ऐसा किया और बिठूर मेरा बर्थ प्लेस है मतलब जहाँ से मैं एक्चुअली आई हूँ तो वो मुझे बहुत बुरा लग जाता है कि हमारा इंसल्ट होता है और सबको बहुत बुरा लग जाता है कि ऐसे क्यों हुआ और इतना इंपॉर्टेंट सेरेमनी था एंड फिर मुझे पता चलता है उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया तो फिर इसे मैं मारते मारते लेकर आती हूँ कि रसोइये को शायद उन्होंने पीटा था जी बात को दबाने के लिए जिस वजह से आप नाराज हो गए बात को दबाने के लिए इतना मारा उनको खून भी आने लगा इसलिए मैं भी वापस मारती हूँ जो चाबुक से वो मार रहे थे उसी चाबुक को लेके मैं भी मारती हूँ झांसी की रानी की जय